दोस्तों, मैं आशीष कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मैं आप स्पाइस मनी का रिटेलर हैं और आप IRCTC से टिकट बुक करना चाहते हैं, मतलब स्पाइस मनी में लॉगिन हो चुके हैं और आप टिकट बुक करना चाहते हैं रेलवे का, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा कि 2S कैसे बुक करते हैं, AC कैसे बुक करते हैं और स्लीपर कैसे बुक करते हैं, और उसके बाद बुक करने के बाद कैंसिल भी कैसे करते हैं, मैं आपको A से Z तक आपको प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं आप स्पाइस मनी का रिटेलर हैं और आप IRCTC का ID पासवर्ड और डोंगल ले चुके हैं तो आप कैसे बुक कर सकते हैं, ये मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा A to Z, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। ये आपको जानना है कि टिकट बुक कैसे करते हैं, कमीशन कितना मिलता है, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक वॉच जरूर कीजिएगा। कैसे बुक करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। आपको स्पाइस मनी में आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ट्रेंस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे उसके बाद टिकट बुक पे क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपको किस स्टेशन से किस स्टेशन तक जाना है आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि मेरे को गोरखपुर से लोकमान्य तिलक मतलब मुंबई जाना है तो मैं यहाँ पे LTT लिख देता हूँ, मतलब लोकमान्य तिलक, ठीक। अब आपको कितने डेट को जाना है यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि मेरे को 3 मार्च 2021 को जाना है तो यहाँ पे मैं 3 मार्च लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए 3/3/2021 आ गया। उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है, तो आप लोग अपना डेट सेलेक्ट करके सर्च क्लिक कीजिएगा। वहाँ से जिस स्टेशन से आप जाएंगे उस स्टेशन से कितने गाड़ी मुंबई जाती है यहाँ पे दिखाएगा, आप मतलब जहाँ भी जाना होगा यहाँ पे दिखाएगा। आपको 2S मतलब बैठ के जाना है या सो के जाना है, मतलब स्लीपर या AC में जाना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं तीनों आपको दिखाऊंगा, 2S का, स्लीपर का और AC का, ठीक है। तो मैं आपको एक एक पारा पारी करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये दूसरे नंबर है जो 05018, ठीक है। आपको जो भी होगा गाड़ी का वो आप चेक कर लीजिएगा कि अवेलेबल है या नहीं। देखिए मैं इसमें देखता हूँ 2S में अवेलेबल है या नहीं। देखिए यहाँ पे है ग्रीन, मतलब अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्लीपर मतलब वेटिंग है, ठीक। और यहाँ पे भी यार AC है और यहाँ पे AC में अवेलेबल है, AC अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं 2S से चालू करता हूँ, जैसे 2S बुक करता हूँ, बस मैं बैठ कर जा सकता हूँ। अभी मैं तीनों आपको पारापारी करके दिखाऊंगा और बुक भी करूँगा, कैंसिल भी करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया और 2S इस पे मैं अपना क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद बुक पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको जो भी ट्रेवल कर रहे हैं उनका नाम डालिएगा, उनका एज डालिएगा। अगर मैं वो मेल फीमेल है तो उनका मेल फीमेल पूछ लीजिएगा। अगर मैं वो जेंट्स है तो मेल रहेगा, अगर मैं वो महिला है तो फीमेल रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे सारा चीज़ फिल करना है। तो आपको अगर मैं 2S वाला सेलेक्ट किए हैं तो आपको यहाँ पे देखिएगा विंडो सीट सेलेक्ट कीजिएगा, वरना अगर मैं वो कम सीट अवेलेबल रहेगा तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर मैं वो विंडो सीट अवेलेबल रहेगा तो यहाँ पे शो करेगा, तो विंडो सीट सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो ट्रेवल कर रहे हैं उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल ID और उनका एड्रेस, ठीक है। अगर मैं उनका एड्रेस ईमेल ID नहीं है, इनका जो मोबाइल नंबर डालिएगा यहाँ पे, मोबाइल नंबर डाल के @gmail.com लिख के, ठीक है, सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद उनका एड्रेस मतलब किस आपको डालना है और जहाँ पे वो जाना चाहते हैं वो एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। और वही पिन कोड यहाँ पे, अगर मैं वो नहीं समझ में आता है कि वो कहाँ पर जाना चाहते हैं तो जो आपको यहाँ पे एड्रेस है ना, पिन कोड, वही पिन कोड यहाँ पे और ये एड्रेस यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, चलिए। तो आपको इस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद बुक पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, पे पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर से पे पर क्लिक करना है। और जैसे पे पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड डालना है, जो भी आपको कैप्चा दिखाई देगा एक कैप्चा फिल करना है। जैसे कि मैं अपना कैप्चा फिल कर देता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखिए टिकट बुक हो जाएगा, देखिए यहाँ पर टिकट बुक हो गया है, ठीक। यहाँ पर देखिए कुछ आ गया इस तरह, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट आउट कर लीजिएगा, वरना मेरा नाम लिखा है, एज लिखा है, ठीक है, मेल और कितना D6 में मेरा है, ठीक है, D6 में 21 नंबर सीट है, ओके। अब अगर मैं मेरे को कैंसिल करना है तो मेरे को PNR नंबर होना चाहिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी कैंसिल करना होगा तो आपको PNR नंबर होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं इसको कैंसिल भी करने वाला हूँ क्योंकि मैं ट्रैवल नहीं करने वाला हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो कि यहाँ पे मेरा बैलेंस कितना कटा है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ पहले। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको बैग जाता हूँ, फिर से यहाँ पे मैं बैग जाके और यहाँ पे देखते हैं मेरा कितना चार्ज कटा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए मेरा जो टिकट निकला है यहाँ पे इतने रुपए का निकला है, मेरे 15 रुपये कमीशन मिला, मतलब 15 रुपये ही कमीशन आपको मिलेगा, ठीक है। और चाहे तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं और चाहे तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं जिसे किसे जाना है। अब मैं स्लीपर बुक करके आपको दिखाता हूँ और मैं फिर से वही ट्रेन सर्च करता हूँ, जैसे कि मैं जो जिस ट्रेन से जाने वाला हूँ, जैसे गोरखपुर से, देखिए मैं वही सिलेक्ट कर लिया गोरखपुर से, फिर से 3/3/2021 को ही जाना है, मतलब 3 मार्च को। यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। अब मैं 2S का निकाला था, अब मैं स्लीपर का निकाल के दिखाता हूँ।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेटिंग है, बट आप लोग देख लीजिएगा अगर मैं अवेलेबल रहेगा तो, ठीक है। जैसे कि मैं इसमें ही निकालता हूँ, बट मैं आपको ये दिखाने के लिए निकाल रहा हूँ कि इसमें कमीशन कितना मिलता है, ठीक। इसको मैं बुक किया, ठीक। और यहाँ पे आप लोग नाम डालिएगा, यहाँ पे आप लोग मेल फीमेल, यहाँ पे डालिएगा सारा चीज़, जिसे मैं आपको अगले वाले में बताया था सेम आपको ऐसे फिल करना है। चलिए मैं सारा चीज़ फिल कर लेता हूँ। वो क्या करना है, बुक पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए सारा चीज़ ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इतना पैसा कटने वाला है, आपको क्या करना है, पे पर क्लिक करना है, फिर से आपको पे पर क्लिक करना है। जैसे पे पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालिएगा, यहाँ पे अपना कैप्चा डालिएगा, और उसके बाद आपको आई एक्सेप्ट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ देर वेट करना है। तो यहाँ पे देखिए, ए स्लीपर वाला टिकट बुक हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जबकि वेटिंग है, आपको मैं पहले भी बताया हूँ यहाँ पे वेटिंग है इसलिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको अगर मैं डाउनलोड करना हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा, वरना प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, इसको भी मैं अभी कैंसिल करने वाला हूँ, और इसमें भी मैं दिखाऊँगा कि आपको कितना मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ स्लीपर। अब चलिए अगर मैं आपको कमीशन दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कितना मिला है कमीशन, ठीक है। स्लीपर में तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाता हूँ, देखिए मेरे को यहाँ पे भी 15 रुपये कमीशन मिला है, 2S में भी 15 रुपये मिला था, ठीक है। और यहाँ पे 899 रुपया कटा है, ठीक है, वहाँ उसके बाद मेरे को 15 रुपया मिला है, ठीक है, वापस। तो 2S या आप स्लीपर बुक कीजिए, आपको 15 रुपये मिलेगा। अब चलिए देखते हैं AC में कितना मिलता है, ठीक। तो अब मैं AC बुक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर बुक टिकट पर क्लिक कीजिएगा, बुक स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं सारा चीज़ फिल कर लेता हूँ, फिर से अपना डेट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, 3 तारीख मतलब 3 मार्च को। और फिर से मैं AC में, कौन से AC में चाहिए आपको, यहाँ पे 3 या 2A में, जैसे कि मैं 3 वाला में सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 9 टिकट अवेलेबल है, और यहाँ पे मैं फिर से बुक पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए कितना मेरा चार्ज कटेगा, यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। अभी आगे चलूँगा तो बताएगा, जबकि यहाँ पे मैं अपना नाम, एज और कौन सा सीट पर जाना है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे सारा चीज़, मोबाइल मोबाइल नंबर, एड्रेस वड्रेस फिल कीजिएगा, ठीक। और उसके बाद आपको क्या करना है, बुक पर क्लिक करना है, बुक पर जैसे क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पे पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस बता रहा है कि कितना कटेगा, ठीक है, यहाँ पे 2215 रुपये कटेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पे पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर से पे पर क्लिक करना है, और आपको अपना पासवर्ड, उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है, और उसके बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। देखिए प्रोसेस में है, मगर आपका कुछ देर आपको वेट करना है। तो देखिए यहाँ पे भी बुक हो चुका है AC वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए सर्च कर रहा है, ये बुक हो चुका है, ठीक। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B1 में 64 सीट है मेरा, ठीक है, साइड अपर, ठीक। अब दिखाता हूँ AC में कितना कमीशन मिला है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। और देखिए यहाँ पे मेरे वॉलेट से कितना कटा है, यहाँ पे 2278 रुपये कटा है, और मेरे को इसमें 30 रुपये कमीशन मिला है, जबकि यहाँ पे TDS भी 1 रुपया 13 पैसे कटा है। मतलब कमीशन आपको AC का निकालते हैं तो 30 रुपये मिलता है, ठीक है, मतलब AC का निकालेंगे तो 30 रुपये मिलेगा। कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना है, ट्रांसफर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे कैंसिल टिकट पर क्लिक कीजिएगा, करना यहाँ पे कैंसिल टिकट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना PNR नंबर डालना है, PNR नंबर डालने के बाद सर्च पे क्लिक कीजिएगा। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बता देगा, ठीक है, अब आपको कैंसिल करना है। अगर मैं 2-4 सीट रहेगा तो उसमें जो भी जिसको भी कैंसिल करना होगा यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट सबमिट कैंसिल रिक्वेस्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको कुछ देर वेट करना है, आपके पास एक OTP जाएगा, जबकि मैं बताया था कि आप लोग मोबाइल नंबर जो डालिएगा वो थोड़ा वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। अपना OTP डाल दीजिएगा, OTP आएगा तभी ये कैंसिल हो पाएगा, वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं तीनों का कैंसिल करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मगर कैंसिल करने का सबको तरीका मालूम है कि आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।